ये हो क्या बात है। लेकिन बुल बार के नीचे आप देख रहे हो भाई, दो दो आपको एग्जॉस्ट दे रखे हैं और ये दोनों के दोनों वर्किंग है। अरे वाह भाई, ये भी पूरा सॉफ्ट टच है JBL। तो भाई इसमें आपको मिल जाते हैं स्पीकर 10। ओहो क्या बात है भाई साहब। अच्छा भाई साहब, क्या बात क्या बात, मतलब ये चीज तो पहली बार देख रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना संस्कार सुमित। आज के समय में टाटा की बड़ी गाड़ियों को देखकर लोग टैंक टैंक बोलते हैं ना, लेकिन भाई सही बता रहा हूँ, जब इस गाड़ी को देख लोगे ना तो आपके मुंह से दिल से निकलेगा कि ये टाटा ने बनाया था टैंक। ये है टाटा की हेक्सा, 2017 में लॉन्च हुई थी लेकिन कुछ ही कारणों से चली नहीं। इतनी कैपेबल गाड़ी थी, इतना सब कुछ इसमें दिया था उसी टाइम, ये मैं कहूँगा टाइम से पहले कुछ दे दिया था। भाई एक एक करके चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले ये जो वेरियंट है ये इसका टॉप मॉडल, और आप देख रहे हो आज के समय में आपको 17 इंच के व्हील मिल जाए, 18 इंच के व्हील मिल जाए, एकदम से लोग बड़े आंखें खोल लेते हैं कि भाई कितने ज़बरदस्त टायर मिल गए हैं, अलॉय मिल गए हैं। इसमें दिए गए थे 19 इंच के, आप समझ रहे हो, चारों व्हील में डिस्क, सबसे लंबी, सबसे चौड़ी, सबसे भारी, सबसे ज़्यादा कैपेबल अगर SUVs की बात करें, या फिर हम ये कहें प्रीमियम जो इनोवा को आज के समय में टक्कर दे सकती है, तो उन गाड़ियों में ये सबसे ऊपर आएगी अगर नंबर्स या स्टैट्स की बात करें। तो ये है अपने पास टॉप एंड वेरियंट। अगर कीमत की बात करें, जब ये बंद हुई थी लास्ट कीमत इसकी थी 18 लाख रुपये एक्स शोरूम। आज के समय में 18 लाख रुपये एक्स शोरूम बराबर 21 लाख रुपये ऑन रोड, और 21 लाख रुपये ऑन रोड में आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो आज के समय में कहीं ना कहीं मिस हो चुकी हैं। भाई सबसे पहली चीज़ इसकी, इसका लुक, इसकी चौड़ाई 1900mm चौड़ाई है इसकी। आज के समय में हैरियर और सफारी की बात करें तो आपको मिलती है 1894mm, उनसे 6mm ज़्यादा चौड़ी। हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पर देखते हो दो दो आपको मिल जाता है, मतलब ये हो गया अपना यहाँ पर हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस, और यहाँ पर है अपना छोटा सा देख रहे हो अंदर वो है प्रोजेक्टर, ये इंडिकेटर, नीचे आपको DRL मिल जाती है, और साथ में ये हो गया अपना यहाँ पर फॉग लैम्प। और एक और चीज़ जो इसमें खास थी, एक और क्या, बहुत चीज़ें आएंगी जो खास थी, लेकिन जो इसके वाइपर हैं ये आप देखते हो सिविक में देखते ही आँखें खुल जाती थी लोगों की कि भाई क्या मस्त खुल रहे हैं। भाई इसके वाइपर ऐसे खुलते हैं इस तरह से, मतलब जो जनरली हम देखते हैं वो चीज़ नहीं है इसमें, देखते ही मज़ा सा आ जाता। और आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये यहाँ पर वाइपर है ऑटोमेटिक, जो रेन सेंसिंग वाइपर है वो इसमें दिए हुए हैं, और सेंसर उसका नीचे लगा हुआ है, जनरली हम वहाँ ऊपर देखते हैं। ये है प्रॉपर इसका लुक, जबरदस्त दिखने वाला। अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। फ्रेशनेस किसे पसंद नहीं है, और वो फ्रेशनेस आपको आपकी कार में मिल जाए उससे बढ़िया क्या बात होगी। तो वो आपको मिलेगी इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट सीरीज के स्प्रिंग वाटर कार परफ्यूम से। जब भी आप जंगल वगैरह में जाते हो और कहीं आपको वाटरफॉल दिखता है तो एक अलग ही फ्रेशनेस जैसी आती है ना हवा में, वही फ्रेशनेस का एहसास आपको मिलेगा इस परफ्यूम से। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो कार्ड दिया हुआ है स्प्रे कार्ड, उस पर इसको सिर्फ स्प्रे कर देना दो बार आपकी गाड़ी में, चाहे आप बैठोगे चाहे आपका कोई रिलेटिव या फैमिली पर्सन बैठेगा ना, वो वैसे ही फ्रेशनेस फील करेगा जैसे आप करते हो। और इसमें इतने कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम है कि भाई ये सिर्फ दो स्प्रे ही एक बार में करना है वही काम कर देगा, और ये बोतल आराम से 2 से 3 महीने चल जाएगी। हमेशा की तरह आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, संस्कारी नाम का कूपन कोड लगाओ अपने भाई का, और भाई डिस्काउंट ले लो 10% का। वेबसाइट पे और भी प्रोडक्ट है आपके समर कलेक्शन में जो कि आपकी गर्मियों को मजेदार बना देंगी। यहां पर देखो भाई, वाकई में एक फ्रेम में आने के लिए इसको काफी दूर जाना पड़ता है। ये देखो क्या जबरदस्त फील दे रही है। लंबाई इसकी 4788 mm, भाई 4.5 मीटर से ऊपर है ये गाड़ी, आप यकीन कर रहे हो। आज के समय में 4600-4700 mm की गाड़ियों को ही बहुत लंबा माना जाता है, XUV 700 या सफारी है ना, लेकिन इसकी बात करें ये उनसे काफ़ी ज़्यादा लंबी है। गाड़ी की लंबाई ज़्यादा तो व्हील बेस भी लंबा होना है, आज के समय में कोई गाड़ी इसको टक्कर नहीं दे सकती। 2850 mm का व्हील बेस है जिसकी वजह से अंदर आपको ऐसा स्पेस मिलता है जो आज के समय कोई गाड़ी टक्कर नहीं दे सकती। भाई सही कह रहा हूँ, इनोवा वगैरह भी इसके आगे फीकी हैं अगर स्पेस की और पावर की बात करें। हो गई है 19 इंच के व्हील आपको यहाँ पर दिख ही रहे हैं। डिस्क ब्रेक आपको चारों के चारों व्हील में मिल जाती थी। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो मिल रहा है आपको इसमें 200 mm का, क्या बात है भाई, अल्टीमेट। और आपको उस साइड देखोगे आपको बैजिंग दिखेगी, यहाँ पर नहीं है, वेरिकोर 400 की, और 400 का मतलब आप समझ ही रहे हो 400 Nm टॉर्क। सुनते ही ऐसा लगता है कि मशीन है, मोटर है, ये क्या चीज़ है, क्योंकि आज के समय में सफारी में क्या है, हैरियर में क्या है, आपको 350 Nm का टॉर्क मिल रहा है, लेकिन इसमें 400 Nm का पूरा सेगमेंट को ही फोड़ कर रख दिया था उस समय। यहाँ पर हो गया अपने ORVM जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल, साथ में ही अपना हो गया यहाँ पर मिरर। ये है कुछ पूरा का पूरा लुक हेक्सा की। यहाँ पर जैसे आज के समय आप देखते हो इस तरह से दिया होता है, हैरियर में लिखा होता है हैरियर साथ में, वही चीज़ है, वही मैं कह रहा हूँ, इन गाड़ियों ने कहीं ना कहीं फाउंडेशन बनाई थी जो आज के समय में टाटा की हैरियर और सफारी इतना क्रेज़ दिखा रही हैं।
बहुत जिसे कहते हैं ना अनसंग हीरोज वो है ये। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो भाई डीजल ओनली था, डीजल में इसकी कैपेसिटी मिलती है आपको 60 लीटर की, आज के समय मिल रही है 50 लीटर की। तो भाई इतनी बड़ी गाड़ी इतनी बड़ी खुराक, कहीं ना कहीं लंबी रेंज के लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा कैपेसिटी इसमें चाहिए थी, वो आपको इसमें मिल जाती थी। ये है कुछ इसका रियर लुक, सटल सा डिज़ाइन है और कहीं ना कहीं कोई भी बंदा इसको देखेगा वो ये नहीं कहेगा कि बुरा लग रहा था। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं जो आज के समय में आपको मिल रहे हैं, जैसे हैरियर हुई, सफारी हुई, लेकिन ये डिज़ाइन ऐसा था देखते बंदा कहता हाँ अच्छा लग रहा है। ये कुछ इस तरह से देखो, ये इसकी चाबी, यहाँ बात करें तो वही ऑलवेज ऑन फोम वाला सीन था। ये जलती थी रात को, मस्त लगती थी देखने में। बाकी कंप्लीट यहाँ पर देखें, स्टॉप लैंप ये भी अपना एलईडी है, यहाँ पर हो गया अपना इंडिकेटर जो कि हैलोजन है और साथ में रिवर्स लैंप। हेक्सा की ब्रांडिंग यहाँ पर हुई है, एक्सट्री टॉप मॉडल था इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ, और बाकी ये हो गया पीछे के लिए कैमरा। वाइपर है, डिफॉगर है, ऊपर अपना वॉशर यूनिट है, साथ में हाई मास स्टॉप लैंप, और वहाँ पर आपको उस समय ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था जो शार्कफिन एंटीना है, इसीलिए नॉर्मल वाला एंटीना मिल रहा था। तो ये है कुछ पीछे से माहौल। और अगर बात करें यहाँ पर एक दो पॉइंट में ना, नहीं यहाँ पर भी है भाई, दोनों साइडों में चार पॉइंट मिल जाते हैं आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर। और देखो मज़ेदार चीज़, अभी तो यहाँ बुलबार लग रही है लेकिन बुलबार के नीचे आप देख रहे हो भाई दो दो आपको एग्जॉस्ट दे रखे हैं, और ये दोनों के दोनों वर्किंग है। कौन सी गाड़ी में आता था उस समय एक ही गाड़ी थी इस सेगमेंट की जो थी XUV 500, जिसमें आपको डबल एग्जॉस्ट मिलते थे जो कि वर्किंग होते थे, और इसमें आपको वही चीज़ मिल जाती है, नीचे आपको वहाँ पर स्टेपनी मिल जाती है, ठीक है। तो भाई ये हो गई पूरी की पूरी बाहर से गाड़ी। भाई वाकई में बहुत बड़ी, बहुत लंबी, बहुत चौड़ी, बहुत भारी। अब मैं भारी चलो अभी बता देता हूँ कितनी है। भाई आज के समय में सफारी ले लो या फिर हम देख लें हैरियर ले लें, सबसे बड़ी फ्लैगशिप गाड़ियाँ वही हैं, उनका वजन है 1825 kg, 1850 kg। लेकिन ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव के साथ, बिल्कुल आज के समय में आपको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसकी वजह से केवल फ्रंट व्हील ड्राइव ही है वो, ये अपने रियर व्हील ड्राइव के साथ ही शाफ्ट ड्रिवन है, और भाई 4x4 ऑप्शन भी होता था। वेट था इसका 2250 किलो, 2250 किलो। ये मैं ड्राई वेट की बात कर रहा हूँ, कर्ब वेट की बात कर रहा हूँ, अभी ग्रॉस वेट तो भूल ही जाओ क्योंकि 7-सीटर गाड़ी है। क्या बात है, मज़ा अलग बांध रही है, मज़ा अलग आ रहा है मेरे को वीडियो बनाने में। अब खोलते हैं ज़रा इसका डोर ट्रिम, ओए होए, ये है कुछ भरा पूरा सा इंटीरियर। वाकई में जैसा बाहर से डिज़ाइन है इसका, जो डिज़ाइन फिलॉसफी थी जो कि सबको पसंद आ जाए, वही चीज़ थी अंदर इंटीरियर में। चाबी की बात करें, चाबी कहीं ना कहीं काफ़ी सिंपल सी थी इसके पूरे भौकाल के आगे। ये हो गया लॉक, ये हो गया अनलॉक, और यहाँ पर ये मिल जाता है आपको फॉलो मी हेडलैम्प वाला फीचर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर सीट पर, सीट कवर इसमें ऊपर से लगाए गए हैं, लेकिन अगर बात करें इसके इंटीरियर की कंप्लीट, यहाँ सॉफ्ट टच और जो इसके ऊपर भी आते थे पहले स्टॉक कंडीशन में, तो भाई वो बेनेक कैलिको, भाई आप समझ रहे हो क्या लेवल है। आज के समय में जो जेट एडिशन और डार्क एडिशन, इनमें जो इंटीरियर अपहॉल्सी अपनी यूज़ हो रही है वो वही बेना कैलिको की है प्रीमियम सी, और भाई वो इसमें आती थी। उसके साथ साथ ये हो गया अपना यहाँ पर इस तरह से सीट में एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ हाइट एडजस्टमेंट, यहाँ पर दिया हुआ आपको क्या अपना लंबा सपोर्ट, और साथ में ये देखो SRS एयरबैग। तो इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाते थे भाई, 2 फ्रंट 2 साइड का 10, उस समय झंडा नहीं होता था गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी इसमें आपको 6 एयरबैग दिए गए थे, 2 साइड का 10 और 2 यहाँ पर सीट के साइड में, बहुत सही। अब आ जाते हैं एक बार नाप लें, वही अपना वाला स्टाइल तो कर ही लें पूरा हम, ये हुआ और ये हो, क्या बात है। अंडर थाई सपोर्ट भी ज़बरदस्त है, हेड रेस्ट यहाँ पर आपको मिल गया एडजस्टेबल, उसके बाद पीछे और फिर सबसे लास्ट में, वहाँ दिखाऊंगा अभी जाते हैं वहाँ, सबसे पहले देखो रे ज़बरदस्त भाई चौड़ाई देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, बताओ यार यहाँ देखें, ओहो भाई साहब कितना ही अंदर आदमी बैठता है, सेफ क्यों ना फील हो उसको। चलो भाई अब जरा इसमें चलते हैं, और हाँ ये जो अपनी सिल प्लेट है ये साथ में ही आती थी, ठीक है। एक बार जरा यहाँ पर आते हैं अपने और दिखाते हैं आपको इसके अंदर के जलवे, बहुत बढ़िया ये कुछ मिल रहा है। और आपको ये चीज़ बताऊँ, अरे ये भूल गए ना आपने, ये नहीं बताया, चलो पहले यही बता देते हैं। तो भाई सबसे पहले देखो नीचे आपको मिल जाता है वही इंडिकेशन जिससे पता लगे किसी को भी पीछे आने वाले को कि भाई डोर खुला हुआ है। सबसे पहले ये देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है 1, 2, 3, 4 चारों के चारों पावर विंडो हैं, और ये हो गया अपना मिरर को एडजस्ट करने के लिए। आज के समय में टाटा इस जगह दे रही है, यहाँ पर दे रही है, पहले यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है। उसके साथ ये हो गया मिरर को फोल्ड करने के लिए, बहुत बढ़िया सॉफ्ट टच है पूरा का पूरा, ये भी मस्त, अरे वाह भाई ये भी पूरा सॉफ्ट टच है, गजब। और नीचे बॉटल होल्डर हो गया, साथ में स्पीकर, अभी स्पीकर गिनाता हूँ आपको। सबसे पहले देखो इसको किया हमने बंद, और एक बार इसको क्लच दबा के स्टार्ट करते हैं पहले जरा गाड़ी। कहाँ गई चाबी, ये रही। इसमें अपना जो पुश स्टार्ट बटन है वो नहीं था, इसीलिए इस तरह की चाबी थी। और यहाँ लगाते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं, क्या बात है सुइयाँ ऊपर नीचे,
ओ हो भाई साहब, फील हुआ है कि इंजन में कुछ जान है, इंजन में कुछ वजन है। ठीक, चलो भाई अब बताते हैं आपको जरा अंदर का माहौल। सबसे पहले जो आपको पूरा का पूरा ये लेआउट है ना, ये आपको ऐसे लगेगा कर्व में, मतलब जो अपने एसी वेंट है वो अंदर की तरफ हवा रखे हैं और बढ़िया सा फील आया आपको पूरा ऐसे कर्व में, मस्त। और उसके साथ स्पीकर की बात कर रहा था, तो देखो आप यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, JBL। तो भाई इसमें आपको मिल जाते हैं स्पीकर 10। भाई देखो टोटल इसमें 5 स्पीकर हैं, 4 डोर में और उसके साथ एक ये स्पीकर, ठीक है 5 स्पीकर हुए, 4 ट्विटर हुए इसमें, 1-2 और पीछे डोर पे ट्विटर, 9 हो गए। और एक सबवूफर आपको मिलता है जो कि है जो अपनी डिग्गी है ना, डिग्गी के पल्ले पर। अरे यार 10 स्पीकर का आपको सेटअप मिल रहा है सबवूफर के साथ, क्या बात है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको इस जो सिस्टम है वो मिलता था छोटा सा, मतलब यहाँ बटन होते थे कई सारे, इसमें वो रिप्लेस कर दिया और इसमें लगा दिया है जो जेनरिक आपको मिलते हैं एंड्रॉयड वाले, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमांड होती है अपग्रेड होने की, तो उसका चारा जो है वो यही बसता है ना, तो इसी वजह से ओनर ने इसमें लगवा लिया। यहाँ पर हो गए टिकटॉक, बहुत बढ़िया ये हो गए एसी वेंट के। नीचे बात करें तो नीचे आपको मिल जाते हैं इस तरह से ऑटोमेटिक एसी बिल्कुल, और यहाँ पर देखो क्या बात है भाई, ध्यान तो उस समय परफॉर्मेंस पे था, कंफर्ट, डायनामिक, रफ रोड और साथ में ऑटो। भाई ये आपको मोड दिए हुए, और ऑटो मोड का मतलब है जैसी भी कंडीशन होगी गाड़ी अपने आप सेंस करेगी और अपने हिसाब से ही ट्रैक्शन वगैरह को चेंज करेगी, मोड सेलेक्ट कर लेगी, क्या बात है यार। साथ में ये हो गया 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पर हो गया यहाँ USB कनेक्टिविटी और साथ में ये अपना देखो ऑक्स की कनेक्टिविटी, ठीक है ये हिस्सा हो गया पूरा। आ जाते हैं गियर बॉक्स पे, 6 गियर आपको मिल जा रहे हैं। उसके नीचे आ जाते हैं तो ये हो गया बॉटल होल्डर, आर्म रेस्ट दिया हुआ है कुछ इस तरह से, एक बार अंदर देखते हैं तो ये दिया हुआ आपको अंदर का स्पेस, ठीक यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। और साथ में ये देखो हेक्सा वेक्सा लिखा, सब कुछ सॉफ्ट टच है, ये हर चीज़ सॉफ्ट टच है, यहाँ ये हार्ड है केवल, बाकी सारी चीज़ें यहाँ सब कुछ सॉफ्ट टच। यहाँ देखते हैं तो ये आपको मिल जा रहा है ग्लव बॉक्स, ठीक है और यहाँ पर देखिए डे एंड नाइट IRVM और उसके अलावा ओहो क्या बात है भाई साहब, एक्सटेंशन बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं ना चीज़, उस समय सोच मारा भाई ये हो गई लैम्प बढ़िया, उसके साथ यहाँ पर भी एक्सटेंशन मिल जाता है और साथ में ये हो गई अच्छा लाइट के साथ दी हुई है बढ़िया, मेरा माइक हो गया बातचीत करने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर आते हैं एक बार, ये देखो यहाँ पर मिल रहा है इस तरह से 220 की स्पीड, यहाँ पर स्पीडोमीटर में ये हो गया अपना टैकोमीटर, बीच में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डिजिटल डिस्प्ले है, टोटल ये जो गाड़ी है इस समय 45,000 किलोमीटर चल चुकी है। और भाई इसको चेंज कैसे करेंगे, कोई बटन इसमें नहीं दिए हुए, यहाँ पर भी कोई बटन नहीं दिए हुए जो इसको यूज़ करे, तो भाई उसके लिए ये देखो यहाँ पर ट्रिप, ठीक है ये देखो इस तरह से दिया हुआ है और ऐसे करके हम सेट वगैरह कर सकते हैं ये, और उसके अलावा यहाँ पर ये बटन है ये अपना इन्फॉर्मेशन अदर चेंज करने के लिए, ये देखो ये हो रहा है क्या बात है, ये बातचीत कुछ है। और इंडिकेटर ऊपर नीचे करने के लिए, साथ में हेडलैम्प की बात करें, कहते हैं यहाँ तो हेडलैम्प होते हैं ना, वो हेडलैम्प का पूरी की पूरी असेंबली जो कि ऑटोमेटिक आते हैं वो यहाँ पर दी हुई है, ठीक ये हो गया अंदर के क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए, यह हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। और उसके साथ यहाँ पर आ जाते हैं तो ये है अपने वाइपर के शौक, देखो वाइपर दिखाऊं आपको जलवे ए कहाँ गया ये, हो क्या बात है भाई, इस तरह से वाइपर है और ऑटोमेटिक दिए हुए हैं ये भी। यहाँ पर देखें ये है अपना टेलीफोनी का, साथ में म्यूजिक प्लेयर में कुछ भी उंगली बाजी करने के लिए, गाने वाने सुनने के लिए, और साथ में ये है वॉइस कमांड का और फोन उठाने के लिए, ये है फोन रखने के लिए। यहाँ पर होगा क्रूज कंट्रोल और उसका सेट करने के लिए, लेदर रैप पूरा का पूरा, स्टीयरिंग व्हील है, एक बार एडजस्टमेंट देखें कहाँ गया ये रहा, ठीक है टिल्ट हुआ और टिल्ट ही है, टेलीस्कोपिक नहीं है। चलो भाई अब इसको करते हैं आगे से खत्म, आप चलते जरा पीछे, इसको किया बंद, ओहो अरे भाई लगाया कि भाई कुछ शांति सी हुई, जबरदस्त वजन सा फील करा रही है। यहाँ पर नीचे देखते हैं तो मैं तो आपको डेड पैडल नहीं मिल रहा, लेकिन आपको ABC पैडल मिल जाते हैं। चलो अब आते हैं पीछे की तरफ कि पीछे क्या माहौल है, इसको किया हमने बंद और यहाँ पर आते हैं, तो जैसे मैं बता रहा हूँ इनोवा को टक्कर देने वाली गाड़ी है ये, तो आपको कम्फर्ट के लिए इस तरह से ब्लाइंड भी दे दिए थे उसी टाइम कंपनी ने, बहुत सही यार, ठीक हो गई। यहाँ पर ये हो गया ट्विटर, जैसे मैंने बताया टोटल 10 स्पीकर हैं, टोटल मतलब 5 स्पीकर, 4 ट्विटर और 1 सबवूफर, उनमें से एक ये नन्ना मुन्ना। यहाँ पर सॉफ्ट टच, यहाँ सॉफ्ट टच, चलो भाई यहाँ पर भी आपको अलर्ट के लिए दिया हुआ है इंडिकेशन, और साथ में ये हो गई अपनी पूरी की पूरी सीट, दो आपको मिल जाते हैं इस तरह से हेडरेस्ट, और पीछे के लिए ये है AC वेंट्स, बहुत सही अच्छा भाई साहब, क्या बात मतलब ये चीज़ तो पहली बार देख रहा हूँ, यहाँ पर भी AC वेंट है, ठीक है यहाँ पर भी AC वेंट है, जनरली क्या होता है या यहाँ देके पल्ला झाड़ लेते हैं या फिर साइडों में, इसमें दोनों जगह दिए हुए हैं, बहुत सही
ठीक, इस तरह से ये हो गया, और उसके अलावा आर्मरेस्ट वगैरह सब दिया हुआ है। थर्ड रो में जाने के लिए आपको उस सीट को टंबल करना पड़ता है, और देखो यहाँ पर लाइटिंग के लिए ये आपको बटन दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा ओहो हो, यहाँ पर भी रेगुलेशन दिए हुए हैं, ये देखो, ये पंखा वंखा कम ज़्यादा करने के लिए 1-2-3 स्पीड। अरे गजब यार, चीज़ें देखो क्या क्या चीज़ें थी यार। और ये देखो यहाँ पर जो अपना सीट बेल्ट है उसकी हाइट को ऊपर नीचे करने के लिए एडजस्टमेंट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कम ज़्यादा हाइट के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक, एक बार आते हैं अब यहाँ पर, यहाँ से दिखाते हैं आपको, ये है कुछ माहौल। पीछे के लिए आपको सबसे ज़्यादा स्पेस मिलता है, रीज़न आज के समय में सबसे ज़्यादा आपको जो व्हील बेस है वो इसी गाड़ी में मिलता था। यहाँ से इसको खींचते हैं और ये देखो क्या बात है, ये आपको पूरा का पूरा स्पेस मिल जाता है, बहुत चौड़ाई है, रीज़न गाड़ी की भी चौड़ाई ज़्यादा है इसीलिए। लास्ट रो के लिए भी आपको लैंप वगैरह दी हुई है यहाँ पर, और पीछे से एक बार देखते हैं मस्ती क्या होती है। अच्छा भाई साहब, अभी देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ, पीछे क्या है मिली है। ये देखो यहाँ से इसको खोलते हैं एक बार, ओह भाई वजन, ये देखो ज़रा, यहाँ पर आपको मिल जाता है इस तरह से लास्ट रो के लिए एसी वेंट, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और साथ में ये हो गया 12 वोल्ट का सॉकेट, लैंप यहाँ पर दी हुई है। अभी के समय बात करें इसके, उसकी जो बूट स्पेस है सातों सीटें खड़ी करने के बाद, तो अराउंड मिलता है आपको 170 लीटर का, लेकिन उसके साथ ही आप इसको फोल्ड करके बढ़ा भी सकते हो, और आज के समय में आने वाली सफारी हैरियर से भी ज़्यादा था, लंबाई भी ज़्यादा थी ना भाई, व्हील बेस ज़्यादा, लंबाई ज़्यादा है, तो अपने आप ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो मैं बता रहा था अपना सब वूफर वो यहाँ पर मिल जाता है, देखो ये पूरी मैश, क्या बात है भाई, टाइम से पहले की गाड़ी वाकई में। और इसको करते हैं अब अपने बंद, वाह भाई वाह। अब बात आती है किसकी, जिसकी तारीफ हुई है शुरुआत में, ये वेरिकोर 400 क्या है, ये किसी से इधर उधर से अरेंज किया हुआ इंजन नहीं था, ये भाई अपना खुद का तराशा हुआ इंजन था टाटा की तरफ से। और एक बार इसको खोलते, सुना मैंने स्ट्रट भी आते थे इसमें, ये हाँ सुना ही नहीं भाई, एक्चुअल में आते हुए थे। ये चीज़ चाहिए होती है, अगर प्रीमियम गाड़ी है तो भाई आपको प्रीमियम ना हर जगह मिलनी चाहिए, और वही चीज़ यहाँ पर थी। और ये देखो यहाँ पर वजन वगैरह भी लिखा हुआ है, क्रॉस व्हीकल वेट 2806 kg, ये देख रहे हो यहाँ पर, क्या बात है। तो भाई इस तरह से था अपना वेरिकोर 400, केवल यहाँ पर ऐसे ही नहीं लिखा गया था भाई, 400 Nm का टॉर्क, जो अब तक किसी भी टाटा की गाड़ी में आया हुआ सबसे ज़्यादा टॉर्क वैल्यू थी। और उसके साथ इसकी पावर की बात करें तो मिल जाती थी आपको 154 BHP की, क्यूबिक कैपेसिटी की बात करें तो यार 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर, मतलब 2200 cc का, जो आपको सफारी में भी देखने को मिला, लेकिन ये सबसे इसकी परफॉर्मेंस में एक्सट्रीम टॉप नॉच वाला इंजन था, इटरेशन थी जो कि इसमें दिया गया था। और भाई अब माइलेज की बात नहीं करेंगे क्योंकि पावर में बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी ये आपको दे देता था मोटा मोटा 12 से 13 की माइलेज। एक्चुअल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, पेपर की बात ही नहीं कर रहा। तो ये है कुछ माहौल, ABS, EBD, ESP सब कुछ उसी टाइम दे रखा था भाई, कोई टेंशन की बात ही नहीं थी। तो इसको करते हैं बंद। तो भाई इस तरह से थी अपने पास बियॉन्ड द टाइम, मतलब टाइम से बहुत पहले आई हुई गाड़ी, टाटा हेक्सा XT 2017 में लॉन्च हुई थी, और आज भी कुछ ऐसी चीज़ें लिए हुए हैं जो आज के समय में किसी भी गाड़ी में, टाटा की गाड़ी के किसी और कंपनी में भी नहीं आ रही हैं वो चीज़ें। अब देखो छोटी छोटी यार, यहाँ पर ये क्वार्टर ग्लास है, इस पर मॉइस्चर ना जमे उसके लिए अंदर यहाँ पर भी आपको डिफॉगर दिया हुआ है, देख रहे हो, इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है वो देखो अंदर, मैं छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया हुआ था, और जिसकी वजह से ये गाड़ी इतनी ज़्यादा आज भी एडमायर की जाती है। तो इस तरह से था वीडियो, इस तरह से थी गाड़ी, कैसी लगी आपको, चीज़ें जो भी इसमें दी हुई हैं जो मैंने बताई उनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको अमेज की गई वो ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार स्मित चैनल को। जय हिंद।